गिलोय का काढ़ा। अभी शाम का टाइम है, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। पर वैदिक खेल रहा है क्ले। क्या खेल रहे हो वैदु? प्ले। क्या बना रहे हो क्ले से? बता। गदा बना रहे हो? हनुमान जी वाली? जय श्री राम भी तो बोल के दिखा दो एक बार। जय श्री राम। और अब मैं देख रही हूँ क्या बनाऊँ शाम के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दाल सुबह बनाई थी लौकी डाल के, लौकी की अरहर की दाल बनाई थी, बहुत यम्मी बनी थी आज वाली दाल ना। अब सोच रही हूँ वैदिक के लिए सुबह क्या बनाऊँ, क्योंकि वैदिक को सुबह स्कूल भेज रही हूँ तो उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। लेट्स सी। आप लोगों के साथ में ना कामता गौशाला के प्रोडक्ट शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से। इन्हें मैं यूज़ कर रही थी इन दिनों, इस वजह से देख लीजिए इनकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ से भी हाफ़ हो चुकी है। पहले मैंने सोचा पहले मैं इन्हें यूज़ करती हूँ, उसके बाद में मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इंग्रेडिएंट है, ये इनका दंत मंजन है, और यहाँ पर गौ मैं कोयला, काला नमक, सेंधा नमक, लौंग, गौमूत्र, अर्क, तो ये पंचगव्य प्रोडक्ट से बना हुआ है। और ये जो है यहाँ पर इसकी MRP तो 75 लिखी है, लेकिन ये भैया अगर आप इनसे बाय करते हो, और देखो कितनी बड़ी बॉटल है, 80 ग्राम्स की बॉटल है, और आप मानोगे नहीं, मैं इसको कम से कम भी नहीं तो 4 महीने हो गए यूज़ करते हुए, अकेले यूज़ कर रही हूँ इसलिए इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई है। दूसरा, ये अगर आपके बच्चों के पेट में चला जाए तो भी नुकसान नहीं है, आपके लिए भी इन रोगों में ये फ़ायदा करेगा, आप देख सकते हैं। और उंगली से आप कर लीजिए, नहीं तो आप ब्रश पे भी लगा के इसे कर लीजिए अपने कम्फर्ट के हिसाब से। ये काला दंत मंजन है और ये है लाल दंत मंजन। तो मुझे पर्सनली ना ये वाला ज़्यादा पसंद है इसकी बजाय, क्योंकि इसको जब भी मैं करती हूँ ना तो मेरी फिंगर जो है वो काली हो जाती है, तो फिर नाखून के अंदर फंस जाता है। तो मुझे इसको करने में, इसे मैं कभी कभी ब्रश से कर लेती हूँ, ब्रश की हेल्प से लगा लेती हूँ और लगा के 5 मिनट तक मुँह में छोड़ देती हूँ, और उसके बाद में इसे कुल्ला कर लेती हूँ, तो आपको ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और देखिए इसमें भी जामुन भस्म, नीम, फिटकरी, अमृतधारा, सेंधा नमक, तो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कोई भी तरीके का केमिकल यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, आप इनकी हालत देख के समझ सकते हैं कि मैंने इसे यूज़ किया है, मैं आपको फेक प्रोमिसज नहीं कर रही हूँ। बहुत टाइम से भैया ने प्रोडक्ट्स भेजे थे लेकिन मैं ना इनको बना नहीं पा रही थी वीडियोज़। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ऐसे भैया ने ना 2 भेजे थे, तो ये अभी पैक है, दूसरा वाला हाफ से भी हाफ हो गया है। और बीच में आप देखते हो मेरे व्लॉग्स में मेरे साथ ना कितने सारे काम आते रहते हैं, और ये मुझे इसकी MRP याद थी, ये 40 रुपीज़ का शायद वो कुछ बता रहे थे, तो 40 रुपये का ऐसे कुछ था। और बाकी आप चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आप मानोगे नहीं, पर 500 रुपये की शॉपिंग में तो ना आपके पास में इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनका ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये चीज़ लगी, ये देखो इनके जो सोप्स है ना, अब देखो इनकी ना जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग पे बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ये लोग ना एकदम घर से काम करने वाला, इनका एकदम स्टार्टअप ही आप समझ लो, तो ये बनाते हैं एकदम A2 cow के प्रोडक्ट, जो देसी गाय होती है ना, वहाँ पर मैंने इनसे बात की थी तब इन्होंने मुझे बताया था, कौशल्या ब्रिड है इनके पास में, और इन भैया ने ना इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़कर अपने इस प्रोफेशन को चुना है और हमारे जो गौवंश है उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा योगदान दे सकते हो ना इन चीज़ों को खरीद कर, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों की हेल्प होती है। और आप ये मत समझो कि आपके, हम लोग 10 चीज़ें खरीदते हैं शॉप्स पे जाके, नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और इनकी स्मेल, सबसे पहली बात तो ना ऐसे जब प्रोडक्ट्स मैं देखती हूँ ना, उनकी स्मेल का थोड़ा सा चक्कर रहता है, कभी आपको गाय के गोबर की स्मेल आ रही है या कभी आपको यूरिन की स्मेल आ रही है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में जो चीज़ लिखी है ना उसी चीज़ से रिलेटेड खुशबू है, और बहुत अच्छी खुशबू है इनकी। और ये मैं अपने बेटे के ऊपर यूज़ करती हूँ पर्सनली, मैं आपको यूज़ किया हुआ सोप भी दिखा सकती हूँ अगर आप लोगों को लगे मैं आपको फेक प्रॉमिस कर रही हूँ तो।
तो ये देखिए, इसलिए मैं ये वीडियो जो है बाथरूम में शूट कर रही हूँ। यूज़ करने के बाद ना ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, आप इसको थोड़ा सा गीला कर लो और उसके बाद अपने बॉडी पे रब करना स्टार्ट करो, आपकी बॉडी की क्लिंजिंग भी हो जाएगी। और ये देखो, ये है नीम सोप इसका, और यहाँ पर इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, सोप्स में भी बहुत वैरायटी है। ये पुदीना सोप है, ये वाले मैंने यूज़ नहीं किए, दो यूज़ कर चुकी हूँ, ये सेकंड चल रहा है और घिसता भी बहुत कम है। इन सोप्स की सबसे ख़ास बात यही है कि ये कम घिसते हैं, और आप इनको जितना यूज़ करोगे ना उतना आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे। और सर्दियों में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि सर्दियों में इन सोप्स को यूज़ करने में ना आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, लेकिन अगर आप ऑयल से मसाज करेंगे अपने शरीर के ऊपर और उसके बाद में इन सोप्स को यूज़ करेंगे ना, तो आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है। सोप्स की MRP भी मुश्किल से 40 रुपये के आसपास कुछ है, और देखिए कितने सारे यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, वही इंग्रेडिएंट्स सेम आपको मिलने वाले हैं। तो आप अपने शरीर के ऊपर ऐसी चीज़ें लगाओ ना जो हमारे गौवंश को भी सिक्योर कर रही है, प्लस आपके लिए आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, मेड है। और हम लोग ऐसी चीज़ों को यूज़ करके, पंचगव्य प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बहुत ही आप पुण्य के भी भागी बनोगे, क्योंकि हम लोग गौ माता से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। को मैं अपने गार्डन में लेके जाती हूँ, हम लोग वहाँ से तोड़ेंगे गिलोय। और आज ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी आ सकती है। तो गिलोय का मेरा जो पेड़ है ना, वो मतलब टहनी है, वो ये वाली है। मैंने क्या किया था, गिलोय मैं सुबह तोड़ना भूल गई, शाम को वैसे भी पेड़ नहीं तोड़ते। गिलोय तोड़ती हूँ, ऐसे तोड़ते हैं गिलोय, देखो ये लेके, बड़ा है तो कैसे ही तोड़ लो, छोटा है तो ऐसे, इतनी इतनी स्टैम्प्स तोड़ते हैं, एक पर्सन के लिए इतनी स्टैम्प बहुत होती है। ये देखो दो, ये दो दिन का है, और ये वैदिक का, इतना बच्चे को दे सकते हो आप। तो ये मेरा कल के काढ़े का काम हो गया है, रोज़ाना सुबह गिलोय का काढ़ा मैं बनाती हूँ और देती हूँ, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और तोड़ लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को दो बार देती हूँ। और रुक जाइए, तो मैंने ना गिलोय तोड़ ली है, और मैं सोच रही थोड़े कपड़े भी उतार लेती हूँ क्योंकि बारिश आ सकती है रात को, लग रहा है मौसम। और बाहर आके ना ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, अंदर बैठे रहो ना तो ऐसा दम सा घुटने लग गया। और मैं सोचूँ थोड़े से कपड़े भी प्रेस कर लूँ, पहले मैं सोच रही थी वैदिक को स्कूल भेजूँगी, लेकिन ना ये वायरल है ना, एक्चुअली ये बहुत लोगों को फैलता जा रहा है और कोरोना के जैसा ही है कुछ कुछ, तो आप लोग बहुत केयरफुल रहो। गिलोय का काढ़ा डेली आप पियो, अपने बच्चों को दो, चाहे बच्चे नाटक करें कुछ भी करें, आप हनी मिक्स करके थोड़ा सा उनको पिला दो, और एक कप पानी लेना, बड़ा वाला कप, उसको आधा कर लेना उसका पानी, तब जाके एक पर्सन के लिए काढ़ा तैयार होता है। इतनी बड़ी गिलोय आपको लेनी है, देख लो एक फिंगर के जितनी मतलब। और हमेशा अपने बच्चों को पिलाओ, क्योंकि इस टाइम पे जो वायरल चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, ये वायरल डायरेक्ट आपके लंग्स पे असर डालता है। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा सा गेट टुगेदर से थोड़ा सा ना अवॉइड रखो, ज़्यादा मतलब लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आए आपके बच्चे, जस्ट लाइक कोरोना। और कोरोना के बाद से तो ऑब्वियसली सब लोग डरने लग गए हैं क्या क्या है, और मुझे होके हटाए, मैं सच में जानती हूँ, मैंने निबोलाइज़र लिया उसके बाद जाकर ये चीज़ क्योर हुई है। इस चीज़ को मजाक में पहले मैं ले सकती थी, कि मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं है, वैदिक खेल रही तो है, वैदिक इधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कोई बात नहीं है। बट जब से ये चीज़ हुई है ना हमारे साथ, इसमें फीवर नहीं टूटता, पूरे बॉडी एक होने शुरू हो जाता है आपको, और घुटनों में दर्द, आपको जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली हमने फेस की है ना इन दिनों, और एक महीना हो गया, आपने पूरा व्लॉग देखा हो अगर मेरा, एक महीने से मैं बीमार हूँ, 6 तारीख से, और उससे भी पहले से मुझे पता है, 21 जनवरी को भी मैं बीमार हुई थी, फिर उसके बाद में ठीक हो गई थी बीच में, फिर दोबारा चेक हो गई, फिर ठीक हो गई थी, फिर दोबारा हो गई थी, और अब जाके मैं ठीक हुई हूँ, और मैं दोबारा बीमार नहीं होना चाहती। तो अपने बच्चों को गिलोय दो, गिलोय से इम्यूनिटी बिल्ड होती है। तो बस मैं अभी इसको क्या करूँगी, जिस कूट के, कूटने के बाद में इसे पानी में भिगो दूंगी, जैसे 2-3 लोगों का बना रही हूँ, मेरा, हस्बैंड का और वैदिक का, तो 2 कप पानी और 1/2 कप, 2.5 कप पानी में मैं इसको भिगो देती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध,
हल्दी वाले दूध के लिए ना मैं ये वाली हल्दी यूज़ कर रही हूँ, पाउडर यूज़ नहीं कर रही। आप लोग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट ये भी इजीली मिल जाती है अभी, तो आप ये यूज़ कर लो, इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। क्योंकि आपने वो ऐड देखी होगी ना, टाटा संपन्न हल्दी, जो जिसमें हल्दी के साथ उसका नेचुरल ऑयल नहीं निकाला जाता, तो इस हल्दी का यही बेनिफिट है कि इसमें ना करक्यूमिन जो होता है ना, हल्दी का ऑयल जो है वो बाहर नहीं निकालते एक तो, दूसरा ये बेनिफिशियल ज़्यादा है, इसमें रस ज़्यादा होता है, तो इसके बेनिफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हल्दी का दूध, कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाती है उसका बना के पियोगे तो बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा। तीन लोगों का बना रही हूँ, तीन कप बना रही हूँ ये वाले साइज़ के, मेरा, हस्बैंड का और बेबी का। यहाँ पर मैंने पानी डाला है और जैसे अदरक कूटते हैं वैसे हल्दी को कूट के इसमें डाल दिया है। डायरेक्ट दूध में नहीं उबालती क्योंकि दूध फिर ना गाढ़ा हो जाता है, तो पहले पानी में उबाल लो, इसका रस पूरा इस पानी में आ जाएगा। और अभी जैसे थोड़ा सा पानी में इसमें और ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूँ यहाँ पे, ये देखो। और जो मैंने गिलोय भिगोई है वो ये देखो, कूट के और ऐसे भिगो दिए, इससे इसका जो सारा कस है वो इस पानी में आ जाता है, सार जो होता है वो इस पानी में आ जाता है। फिर आप इसको उबालोगे, आप देखना सुबह ही पानी थोड़ा सा ग्रीन कलर का सा, मतलब थोड़ा डर्टी सा हो जाएगा, और बस ये उबल जाए। अब इसमें बहुत लोग अदरक भी डाल लेते हैं, काली मिर्च भी डाल लेते हैं, दालचीनी भी डाल लेते हैं, तो जिनको सूट करता है वो डाल लो। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। कोल्ड कफ़ के लिए अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ़ है तो सब कुछ इस तरीके से डाल के, और फीवर अगर आपको साथ में है तो आप क्या करो, फिर इसमें दूध नहीं डालना आप, इसमें है ना, इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रख के इसमें सारे गरम मसाले डाल के और इसमें नींबू निचोड़ देते हैं आधा, और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड करते हैं, काला नमक भी ऐड करते हैं, और इसको पीने के बाद में बस रात को पीते हैं जब आपको सोना होता है, और उसके बाद में कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। इसको पीने से आपके शरीर से पसीना आएगा बहुत ज़्यादा, और आप देखोगे पसीना आने की वजह से, पसीने को आने देना है, जैसे ही पसीना आएगा उसके बाद आपका फीवर जो है वो उतर जाएगा और आपका कोल्ड कफ भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये हल्दी उबल रही है, अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी।